वगैरह प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, निडल का हम निडल को भी हम सेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो ओपन वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, समझने के लिए इसको हमेशा ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है। और ये ml आपको दिखाई देना है, कितना ml आपको लेना है। तो इस तरीके से आप इसको सेट करने के बाद टाइट कर दीजिए निडल को, ताकि वो ढीला ना रहे। और ये सारा चीज़ हम चेक करने के बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉटन से हम अच्छे से उस एरिया को क्लीन करेंगे, कॉटन स्वैप से क्लीन करने के बाद अच्छे से उसको क्लीन करेंगे। कैसे क्लीन करते हैं ये आप देखेंगे। क्लीन करने के बाद दोबारा उसमें हैंड नहीं लगाना है, ठीक है, नहीं तो कंटामिनेशन हो जाएगा। इस तरीके से हम सर्कल में क्लीन करते हैं अंदर से बाहर की तरफ, और क्लीन होने के बाद देखिए कितना क्लियर आपको वेन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और वेन में आपको 30 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको डिग्री के हिसाब से आप देख सकते हैं कैसा क्या, वो तो एक्सपीरियंस से आ जाता है जब आप ब्लड कलेक्शन करते हैं तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप पिस्टन चेक कर लिए वो सारा चीज़, और उसके बाद धीरे से इस लेफ्ट हैंड के थंब से मैं हल्का सा पीछे की तरफ खींच रहा हूँ वेन को, और उसके बाद निडल हमने प्रिक कर दिया। प्रिक करने के बाद देखो ब्लड वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हो दिया होगा, और इसके बाद जैसे ही ब्लड दिखाई देने लगता है पिस्टन को धीरे धीरे आप पीछे खींचेंगे, एकदम से आप मत खींचिए नहीं तो हीमोलाइज के चांसेस रहते हैं। धीरे धीरे आप खींचते जाएंगे पिस्टन को और ब्लड आपका इसमें आते जाएगा। इस तरीके से ब्लड आता गया, कैसे कर रहे हैं ये सारा कुछ आप देखते रहिए। जैसे हो गया हम मुट्ठी खोलने को बोलेंगे और टर्नीकूट का बेल्ट भी हटा देंगे, इसके बाद कॉटन लगा करके फिर हम निडल को निकाल लेते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर है।